नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में ऐसा काम होगा कि दुश्मन भी आपके सामने भीख मांगने वाला है, इसलिए दोस्तों आप आज लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को विशेष जानकारी देने वाले हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन 24 घंटे में होने वाली खास सावधानियां के बारे में। ऐसे काम जो आपने कभी नहीं किए हैं उसे आप लोगों को बड़ा सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वह इस दिन आपको नहीं मिल पाएगा। आएगा, लेकिन आय के नए नए स्रोत पैदा होते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से आप धन प्राप्त कर सकेंगे। यदि दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे जिन्हें एक बार कर लेने मात्र से ही आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों अगले 24 घंटे में परमात्मा आपको तीन बहुत बड़े संकट देंगे। कोई महामूर्खी होगा जो इन संकेतों को समझ नहीं पाएगा। बहुत ही खुशनसीब लोगों को परमात्मा की तरफ से ऐसे संकेत मिलते हैं। अब आपके जीवन के सभी दुख दोस्तों दूर होने वाले हैं। सावधानियां अपनानी होंगी। पहले सावधानी जाए दोस्तों की, आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों पर आपको कम से कम ध्यान देना होगा। आप अपने जीवन पर जितना ध्यान दोगे आपके लिए इतना बेहतर रहेगा। साथ ही प्रयास करें कि इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत कर सके। लोगों के साथ समय बिताकर आपके मन को जो सुकून मिलेगा वह सुकून और कहीं नहीं, इसलिए थोड़ा है अपीनों के साथ जरूर बताएं। वहीं यदि किसी काम से यात्रा पर जा रही है तो थोड़ा संभल कर जाएगा। गाड़ी थोड़ी आराम से चलाएं, क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़े दुर्घटना की योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए हमारा आपसे अनुरोध यही है कि आप खुद का और अपने परिवार का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान ज्यादा रखें। स्वास्थ्य के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर इस दिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों की जीवन में पिछले बहुत से समय से कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आई, उन लोगों को परमात्मा अगले 24 घंटे में तीन बहुत बड़ी खुशखबर सुनने वाले हैं। तो आप बस अपने कर्म अच्छे रखिए। यदि आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो आपको बहुत जल्द तीन बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पिछले कुछ वर्षों की मेहनत रंग लाएंगे। आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। किसी उलझे हुए मसले को सुलझाने के लिए धीर की जरूरत है। दूसरों के मामलों में दखलअंदाजी ना करें, नहीं तो आप खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं। भाई बहनों से अनबन परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि सुखद गृहस्थी बन रही है। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता आप में रखेंगे। अगर घर के रख रखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं तो वास्तु समस्त नियमों का भी पालन करना चित्र बहुत ही उचित रहेगा। दोस्तों आप अपने किसी खास हुनर को निखरा की कोशिश करेंगे। था कभी कभी अति आत्मविश्वास की स्थिति मुसीबत में भी डल चलती है। ध्यान रहे कि पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। इस समय किसी भी अन्य चाही यात्रा से परहेज करें। यह वर्ग अपने लक्ष्य को आंख से ओझल ना होने दे। और हां, कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इस अवस्था में अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से तनाव रहेगा, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। पति पत्नी के बीच खट्टी मिट्टी नोक झोंक रहेंगी। युवाओं के प्रेम संबंध पर गाव होंगे, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही साथ योगा मेडिटेशन जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। और हां, परिवार में चल रहे वध का असर आपकी सोच पर भी हो सकता है। खुद को फिलहाल थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। काम संबंधी बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार आगे नन्हे से निराशा होगी। पैसों की आवक सीमित यात्रा में ही बनी रहेंगी। जिन बातों में दुविधा महसूस होती है उन्हें सुलझाना संभव होगा। काम पूरा करने के बाद भी वक्त पर पैसे प्राप्त ना होने से बेचैनी बनी रहेगी। और हां, कुछ बातों की वजह से पार्टनर के लिए नाराजगी बढ़ सकती है। इस बात को चर्चा के जरिए सुलझाया भी जा सकता है। और हां, मित्रों अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा। कुछ नए विषयों पर जानकारियां हासिल होंगी। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में हमें उचित सामान्य से रखने से कार्य यथा समय संपन्न हो जाएंगे। विद्यार्थियों या फिर स्कूल या फिर कॉलेज की गतिविधियों में सेलेक्ट हो सकते हैं आप। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। साथ ही साथ अपना आत्मविश्वास भी बनाए रखें। बैंक या फिर निवेश संबंधी कोई काम ना होने से मन में झुंझलाहट रहेगी।
खर्चे बने रहेंगे, कार्य क्षेत्र में सभी गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनी रहेंगी और आपकी बेहतरीन का प्रणाली के अनुकूल परिणाम भी सामने आएंगे। निश्चय ही सफलता मिलेंगे। दोस्तों, पार्टनर से संबंधित कोई प्रपोजल भी आ सकता है। नौकरी के प्रोजेक्ट में सफलता आपको मिल सकती है तथा सफलता का अवलोकन करके खुद को प्रेरित बनाने की कोशिश करते रहे। आपके काम को गति प्राप्त हो रही है, साथ में इच्छा के अनुसार काम भी मिलेगा। इस वजह से हर एक काम में रुचि महसूस होने लगेंगी। सकारात्मक बातों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, बिगड़े हुए संबंधों में मधुरता बनाने का अनुकूल समय है। इस समय स्थान परिवर्तन के योग हैं। इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें। आर्थिक स्थिति सुदूरनी की मजबूत व सशक्त बनेगी। विद्यार्थियों को भी अपनी आशा व मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। पैसा आने के साथ साथ खर्चे की स्थितियां भी तैयार रखें, क्योंकि बजट बनाकर चलने से आपकी काफी हद तक समस्याएं सुलझ जाएंगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप यह समय अपनी बड़े हुई जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी आपको कोई राहत मिलती दिखाई भी नहीं दे रही है। सबसे अच्छा यही है कि आप शिकायत करना छोड़कर अपने कामों को पूरा करें। जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतना ही जल्दी बोझ कम होता जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसे लापरवाही से पूरा करना है। अपना काम कुशलता से पूरा करें और आपको भविष्य में इसका अवश्य ही फल मिलेगा, इस बात का गारंटी देते हैं। स्वास्थ्य कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा ही है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करनी चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्य कर भोजन से भी काफी अंतर देखेंगे। दोस्तों, प्यार संबंध राशिफल की बात करें तो अपने पार्टनर की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिलेंगे, या फिर आज आपको उससे कोई बहुत अच्छा उपहार मिल सकता है। अगर आप अकेले हैं तो ये तो उस खास आदमी को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा समय है, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो पाएंगे कि प्यार ऐसी जगह भी पनप सकता है जहां पर आप कभी सपने में भी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपकी केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेंगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक घर पर या फिर अपने किसी कार्यस्थल डेज पर रहे। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय, ऊर्जा और पैसा का हास होगा। आपको कुछ सामान या सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदारी भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल भी पाएंगे। आपको बस दृढ़तापूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएंगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे, दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्तों, दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक का कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है। आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप ही सख्त ईश्वर की पूजा पाठ दूसरा कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाए तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो, यहां तक कि भगवान के दर्शन कर दी। अचानक आपके रोम खड़े होने लगे या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत है। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा था। भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने नाते हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख, दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको जीस भी
ईश्वर में जीस भी भगवान में रुचि है, उनके मंदिर रुक जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट, खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए। किससे भगवान बहुत खुश होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है। पता नहीं है बेटी की, एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी। इस बात का दावा है हमारा दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना, और बार बार आपके ऐसे सपने आना तोत, जो आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है, जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाए और पूरे मन से पूजा। ऐसी सपने इस बात का प्रतीक होते हैं क्योंकि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत चौथा। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता था और भी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। आपकी स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी में जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर ने चुना है ऐसे इंसान। किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वही दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इंसान किसी ने कमजोर कर दी नहीं कि कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, उल्टी उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझ गए कि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों अब सुनिए पांचवा संकेत, यह बहुत ही खास है। दोस्तों यदि देवी शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभ्यास होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा, यदि आपके साथ या फिर आपके परिवार के लिए आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी चयन से हो जाएंगे और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ टूट जाएगा, ऐसा काम ना करें क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। हां दोस्तों, पूर्वाभ्यास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ गए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, अब हटा संकेत। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, जी आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हां दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता आपके आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है, और आपके आसपास के लोगों को इन सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाए कि आपके आसपास एक देवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है।